हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम टॉपिक करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड हमारा टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम पढ़ते हैं एक्चुअली में ये सब्जेक्ट जो कि इतना डिफ़िकल्ट है, सो वो हम पढ़ने वाले हैं इसका रीज़न आज। सबसे पहली बात तो ये, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ा जाता है क्यों, इट डिस्क्राइब्स द इकॉनमी। हमारी इकॉनमी को डिस्क्राइब करता है, हर एक चीज़, हर एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है। हर एक प्रॉब्लम मतलब वो सास बहू वाली लड़ाई नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। एस्टिमेट नेशनल इनकम, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। ये हमें क्या बताती है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका क्या नेचर है, किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितने लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और क्या पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें ये पढ़ने से क्या पता लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट की थियरीज पढ़ने से, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, किस टाइप की प्रॉब्लम्स है, कितने लोग बेरोज़गार हैं और उससे कैसे डील किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए इस प्रॉब्लम को। आज में आज जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकॉनमी में। गवर्नमेंट बजट के बारे में हम पढ़ते हैं, ये बताती है कि गवर्नमेंट कैसे हमारी इकॉनमी को रेगुलेट करती है, है ना, कैसे एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर करती है, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करती है, वो सब चीज़ें, ठीक है, हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट पर अब हम आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज आर ड्रॉन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ में हमें हेल्प करता है, इसकी स्टडी हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाने में, ठीक है, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाए। इसको बताता है मतलब कि इकोनॉमी जो है एक्चुअली में कितना ग्रो कर रही है, कितना डेवलप कर रही है और कितना उसे डेवलपमेंट और करना है, और हमें क्या क्या करना है ग्रोथ के लिए। ये सब चीज़ें जो किस में आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। एनालाइजिंग द नीड्स एंड मीन्स ऑफ इकॉनमी, मतलब हम पहले एनालाइज करते हैं कि भाई इकॉनमी में नीड क्या है। हमने एनालाइज किया, हाँ भाई ऐसे ऐसे है, इतने स्कूलों की, हॉस्पिटल की, ऐसे ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, वो हो गया हमारी नीड कि किस चीज़ की हमारी इकॉनमी को ज़रूरत है। सेकंड चीज़ हो गया मीन्स, यानी हमारे पास चीज़ के रिसोर्सेज हैं भी या नहीं, पता लगे हम खर्चा, पैसे हमारे पास हैं 10 करोड़ और हम खर्च कर रहे हैं 100 करोड़, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मीन्स भी तो होने चाहिए, है ना। सो ये चीज़ें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज़ में हेल्प करती है पूरे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाने के में, कि भाई क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है जितने उसके पास पैसे हैं, या कितना लोन ले सकती है वो, ठीक है, जिसकी वजह से उतनी ग्रोथ या डेवलप वो कर पाए। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अभी जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें क्या बताता है कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम कितनी है, कितने ज़्यादा लोग हैं जो इससे पॉवर्टी से दुखी हो रहे हैं भाई, है ना। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना है, तो ये सब चीज़ें क्या बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, ठीक है। ये पॉइंट क्या कह रहा है, इट रिवील्स अ परफॉर्मेंस ऑफ आर इकॉनमी इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे बताता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब पता क्या होता है, ये एक तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, जैसे कि कितना किसको, जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं करते हैं हम, ठीक है, तो किसको कितना एक्सपोर्ट किया, किसके कितना पैसा किस कंट्री से देना है, लेना है, ये सारे जितने भी पेमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये इसके अंदर आते हैं। और क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्या शो करता है, कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट, कि हम कितना एबल हैं एक्सपोर्ट करने में, ठीक है, कितना कैपेबल हैं हम एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड कंपल्शन टू इम्पोर्ट, कितना कंपल्शन है, कितनी मतलब हमें ज़रूरत पड़ रही है इम्पोर्ट करने की, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है और हमें मजबूरन बाहर से इम्पोर्ट करानी पड़ रही है। तो ये चीज़ें भी हमें किससे पता लगती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब चीज़ें बताती है, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्यों मतलब इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें बताती है। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो ये क्या पॉइंट कह रहा है, इट्स स्टडी हेल्प इन अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आती है, एकदम मतलब स्टेबिलिटी का मतलब होता है ना, एकदम से ज़्यादा प्राइसेस एकदम से हाई ना हो जाना, कि कोई अफोर्ड ही ना कर पाए, जो मिडिल क्लास इंसान है वो कोई चीज़ जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अफोर्ड ना कर पाए, ये सब जो है ना हो। सो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे, वो चीज़ किसकी वजह से आती है, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से, उसको स्टडी करने से। अभी कैसे आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू।
अभी मॉनिटरी पॉलिसी कौन कर देखता है? आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही सब कुछ देखता है। इसमें मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, यानी पैसे से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि आपकी इंटरेस्ट के रेट कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, बैंक रेट, सीआरआर, मनी सप्लाई, ये सब चीज़ें किस में देखी जाती है? आपकी मॉनिटरी पॉलिसीज में। और फिस्कल पॉलिसी आपकी क्या होती है, ये गवर्नमेंट देखती है। फिस्कल पॉलिसीज में क्या होता है, गवर्नमेंट के जैसे एक्सपेंडिचर्स कितने हो रहे हैं, जैसे डैम बनवा दिया, रोड्स बनवा दिए, ये सब चीज़ें एक्सपेंडिचर्स हो गए ना गवर्नमेंट के। और रेवेन्यू कितना हो रहा है गवर्नमेंट का, जैसे हम लोग टैक्स वगैरह देते हैं गवर्नमेंट को, है ना, तो वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। सो ये सब पॉलिसीज़ किस में आती है, फिस्कल पॉलिसी में। तो इन दोनों से गवर्नमेंट क्या करती है, स्टडी करती है पहले अच्छे से। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी करेंगे, इनके सोल्यूशन ढूंढेंगे। अगर इन्फ्लेशन आ रहा है, ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है, ताकि इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। अभी लास्ट पॉइंट है आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसीज़ बनाने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी हेल्प करती है। कैसे? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड आपकी, एग्रीगेट सप्लाई आपकी, टोटल कंजप्शन आपकी, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, तो ये सब वेरिएबल्स की भी स्टडी करते हैं ऑफ कोर्स। तो ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कैसे यूज़फुल होते हैं पॉलिसीज़ बनाने में, किस चीज़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कि हमें कितना और ग्रो करना है, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, ताकि हमारी इकॉनमी डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये सब पॉलिसीज़ बनाने में इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प मिलती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने से, इन वेरिएबल्स को स्टडी करने से हमें पॉलिसी बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं बताते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।